ले क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू दैट इज सिमेट्री क्वेश्चन नंबर सिक्स इज ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी हमें ये फिगर ट्रेस करनी है और हमें ये बताना है कि हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें या नहीं है और अगर है तो कितनी है तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं अगर फर्स्ट फिगर देखें तो अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो हमारा ये वाली जो लाइन है कौन सी वाली ये वाली जो लाइन है ऐसे नहीं आ रही है राइट तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती है तो इसको हटा देते हैं राइट अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं राइट तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनेगी जो ये वाली है तो इसमें इसका मतलब इस फिगर में इस फिगर में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है राइट right? तो यहां लिख देते हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री राइट अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं नेक्स्ट फिगर में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है तो देखिए अगर मैं देखूँ ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है और ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है राइट right? तो हमारी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं नेक्स्ट फिगर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं? तो अगर आप देखेंगे ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है और ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है दैट्स इट तो हमारी फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं नेक्स्ट फिगर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं तो देखिए ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है दैट्स इट और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती है क्योंकि अगर मैं ये लाइन यहाँ ड्रॉ करूँगी तो देखिए नीचे का पोर्शन ऊपर के पोर्शन से मैच नहीं करता है राइट तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती अब सिर्फ टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं तो यहाँ पे लिख देंगे टू लाइंस ऑफ सिमेट्री राइट right? अब नेक्स्ट में के देखते हैं नेक्स्ट में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं तो देखिए अगर आप देखेंगे ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है दैट्स इट और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती है तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं ये देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी और ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसी तरीके से ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी राइट दैट्स इट फोर लाइन ऑफ सिमेट्री तो हम लिख देंगे हमारी इस फिगर में फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है आंसर लेट्स यू क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन कंसिडर दल्फाबेट ए टू जेड लिस्ट देम द लेटर्स विच हैव वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री हॉरिजोंटल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें ए से जेड तक के अल्फाबेट्स लिखने हैं और उसमें देखना है कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं तो हमें अलग अलग बताना है कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किस में बन सकती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री किस में बन सकती है और ऐसी कौन सी अल्फाबेट हैं जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती तो सबसे पहले हम अपने अल्फाबेट्स लिख लेते हैं देखिए ये हमारे सारे अल्फाबेट्स हो गए हैं अब हम इसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे किस में बन सकती है और किस में नहीं राइट right, सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कौन से कौन से में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी तो ए में ऑलरेडी हमें पता है कि ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी राइट right? जब आप इस इन अल्फाबेट्स को ग्राफ पे लिखेंगे तो आपको एग्जैक्टली exactly समझ में आएगा मैं सिर्फ छोटा सा एक जस्ट दे रही हूँ ध्यान से समझिएगा अब बी में देखिए हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्योंकि ये पोर्शन इसके आइडेंटिकल है इसी तरीके से सी में देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्यों क्योंकि ये पोर्शन इसके आइडेंटिकल है इसी तरीके से डी में देखिए डी में भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्योंकि ये पोर्शन इसके आइडेंटिकल है ई e में देखिए ई e में अगर आप देखेंगे ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के आइडेंटिकल है अगर एफ़ देखेंगे तो एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती जी में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती एच में देखेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी आई में देखेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी जे में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी के में देखेंगे तो के में ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी एल में देखेंगे तो एल में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी राइट एम में देखेंगे तो एम में ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी एन में देखेंगे तो एन में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी ओ में देखिए ओ में ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनी और ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी पी में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी क्यू में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी आर में भी कोई नहीं बनेगी एस में भी कोई नहीं बनेगी टी में देखिए टी में अगर देखेंगे तो हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी यू देखेंगे तो यू में भी ऐसे लाइन ऑफ़ सिमेट्री बनेगी और वी में भी यही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी W देखेंगे तो W में भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी एक्स देखेंगे तो एक्स में ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी और ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी अब वाई देखिए वाई मैंने ये गलत तरीके से लिखा है वाई हमें वाई हमें ऐसे लिखना चाहिए आप देखिए इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी तो अगर वाई में देखेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी राइट दैट्स इट तो अब हम लिख लेते हैं किस में कौन सी सिमेट्री है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स ऐसे वाली लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस में है तो देखिए ए में है और एच में है आई में है एम में है ओ में है नेक्स्ट टी में है यू में है वी में है डब्ल्यू में है एक्स में है एंड वाई में है राइट अब हॉरिजॉन्टल वाली ये वाली बी में है हॉरिजॉन्टल वाली सी में है डी में है ई में है और एच में है आई में है के में है ओ में है और एक्स में है राइट right? अब नो लाइन ऑफ सिमेट्री के कौन कौन से थे नो लाइन ऑफ सिमेट्री के हैं एफ इस वाले का पोर्शन का लिख रही हूं एफ है जी है जे है और पी Q R है और S है और Z है दैट्स इट, तो दिस इज आर आंसर

ये डिज़ाइन हमें फोल्डेड शीट के दिखा रखे हैं और ये लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा रखी है इसी तरीके से ये लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा रखी है हमें पूरे पूरे डिज़ाइन्स ड्रॉ करने हैं तो कैसे करेंगे देखिए फर्स्ट फिगर के लिए मैं ड्रॉ कर लेती हूँ हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाली और उसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं देखिए ये फर्स्ट फिगर हो गई जिसमें वर्टिकल लाइन हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो जैसा ही ये पोर्शन दिख रहा था वैसा ही मैंने दूसरी तरफ पोर्शन बना दिया है राइट right? अब अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है तो हमारा कैसे बनेगी फिगर देखिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और अब हम फिगर बना देंगे आ गई हमारी नेक्स्ट फुल फिगर जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है राइट right? जब भी आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट फिगर निकल के आएगी ये क्योंकि मैंने विदाउट ग्राफ बनाई है तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है फिगर में राइट right? तो दिस इज आर आंसर